भारतीय धार्मिक स्थलों में आयोजित हो रहा है। हवन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कुमाष्टमी को लेकर पौराणिक मान्यताओं अनुसार किए जा रहे हैं। हवन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार धार्मिक मंदिरों में यज्ञ मान दे रहे हैं। हवनों में आहुतियां जालौर से गेबाराम चौहान की रिपोर्ट के अनुसार शारदीय नवरात्रि गरबा महोत्सव को लेकर जिले भर में धूम मची हुई है, जिसको लेकर हर जगह गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज आठवां दिन है। आज होम अष्टमी के दिन जिले के हर मंदिरों में होम हवन किया जा रहा है। सायला उपखंड के तालियाना ग्राम में चल रहे गरबा महोत्सव को लेकर ग्राम में स्थित सती माता मंदिर व ममोई माता मंदिर मैं विधि विधान पूर्वक हवन किया गया। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर नौ कन्याओं की पूजा की जाती है, जबकि भगवती के लक्ष्मी स्वरूप में श्रद्धा रखने वाले कन्या पूजन नवमी वाले दिन करते है। इन कन्याओं को दुर्गाष्टमी और नवमी की दिन नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं का आदर सत्कार और भोज कराने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सब जना प्रसाद लोग हमारे यहाँ पे गरबा शुरू किए हैं और सब भाइयों और बहनों देखने के लिए पधारने की कष्ट खराब है और बीच में कई दिन हमारे गरबे बंद हुए थे कोई ऐसे ही, पर हमने सोचा कि हमारा गरबा तो ममई माता का शुरू रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने वापिस शुरू कर दिए। अब 4 साल से कंप्यूटर चल रहा है, बहुत बढ़िया में बढ़िया है। सब भाई और बहने और युवा सब देखने के लिए पधारे और दत्ताराम देवी जी बीजों को सबको धन्यवाद। हमारे गांव सती माता मंदिर के अंदर हवन होम अष्टमी का हवन पूजन की परंपरा के गत हमने इस रीति रिवाज को तहत मद्देनजर रखते हुए हमने होम अष्टमी का हवन महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी लंबे सदी से हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम की प्रथा चलती आ रही है और साथ में ही ममई माता नवयुक्त मंडल की तरफ से गरबा का आयोजन करीबन पिछले 4 सालों से सफलतापूर्वक चल रहा है और काफ़ी अच्छे श्रद्धालु भक्तगण भी यहाँ पे आते हैं और हमारे तालियाना गरबा मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा छड़ावे का महत्व भी रखा गया है और काफ़ी अच्छे गौ माता के प्रति छड़ावे भी लोग लेने के इच्छुक हैं और हमारे इस सभी ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद।